भाजपा मंडल अध्यक्ष मनोज ठाकरे को श्रद्धांजलि देने आए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित परिवार का दर्द बयां कर कहा कि अराजकता का नया दौर शुरू हो गया है और कांग्रेस के नेता मंत्री सतही बयान दे रहे हैं। मनोज ठाकरे को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद शोक सभा मंच से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री सहित कांग्रेस के अन्य नेताओं पर शोकाकुल परिवार की वेदना बताते हुए जमकर बरसे। शोक सभा के बाद पत्रकारों से चर्चा में क्या कहा पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, आप भी सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष, हमारे समर्पित कार्यकर्ता श्री मनोज ठाकरे जी की निर्मम हत्या हुई है। पहले कुल्हाड़ी से काटा गया, फिर पत्थरों से कुचला गया। उस परिवार में होके आ रहा हूं। बूढ़ी माँ की चीखें आत्मा हिला देती है, बेटियों की सिसकियां, अरे दूर नीचे रखो, और विधवा बहन जिसने अपना सुहाग खोया है उसका रुदन अंतरात्मा हिला देता है। एक बेटे के सिर से बाप का साया उठाए, अपराधी अभी तक पकड़े नहीं गए। कारण कोई भी, अपराधी कोई हो, लेकिन अपराधी पकड़े जाने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी ज्ञापन दिया है, पूरे प्रदेश में आंदोलन किए हैं। अराजकता का नया दौर शुरू हो गया है। ये कैसा बदलाव है? इंदौर में, मंदसौर में, बलवाड़ी में, गुना में, ग्वालियर में रोज हत्याएं हो रही है। और इससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि गृहमंत्रियों, मंत्रियों, पूर्व मुख्यमंत्रियों, कांग्रेस के नेताओं घटना को गंभीरता से नहीं ले रहे, वो सतही बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं तो भाजपा ही ने करवा दिया होगा, पैसे का लेन देन है। ऐसे बयान देते देने के पहले लज्जा आनी चाहिए। क्या रहे मंत्री कोई कांग्रेस के नेता नहीं है, वो मंत्री हैं 7.5 करोड़ जनता के, और ये जवाबदारी उनकी है। क्या हत्यारे पकड़े जाएं? नहीं पकड़े गए तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी पहले मंडलों में प्रदर्शन करेगी और 1 तारीख को बड़वानी घेरी जाएगी। हम बड़वानी का घेराव करेंगे। बड़वानी का मतलब जनता का नहीं, एसपी कार्यालय का। कोई भी हत्यारे हो, हत्यारे पकड़े जाने चाहिए। लेकिन आप खुद सोचो पत्रकार मित्रों, क्या इतने सतही ढंग से कह दिया कि भाजपा का अंदरूनी मामला, अगर वो ये कहेंगे तो नीचे प्रशासन पे क्या असर पड़ेगा? कोई भी हो, कैसे भी हो, पकड़े जाएं। इंसानियत मरना नहीं चाहिए, संवेदना समाप्त नहीं होना चाहिए। कांग्रेस के नेताओं के बयान से ये लगता है जैसे इंसानियत समाप्त हो गई हो। इधर उधर की बात क्यों कर रहे हैं? सीधे सीधे हत्यारे क्यों नहीं पकड़े जाती है, जवाब क्यों नहीं देते? खाएगा कानून हाथ में ले रहे हैं। क्या हत्यारों की को पकड़ने की मांग करना कानून को हाथ में लेना है? और दूसरी बात, गृह मंत्री क्या ऐसे जवाब देंगे कि भारतीय जनता पार्टी जाने उन्हीं का मामला है? ये गैर जिम्मेदाराना बयान है। संवैधानिक पद पर है वो, और इस तरह के बयान देना बंद करें, अपने कर्तव्य का निर्वाह करें। अरे हम कहा सहयोग दें, बताओ क्या करना है, जहाँ ले चलना हो चलो, जो कहलवाना हो बताओ। हम कैसी सरकार चलवाएं? हमने सबसे पहले कहा मुख्यमंत्री जी से, अच्छी सरकार चलाइए, सकारात्मक कामों में सहयोग करेंगे, साथ देंगे, गड़बड़ होगी तो विरोध करेंगे, हम कहाँ रोक रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ उनसे कि गंभीरता से लेके बयानबाजी ना करें, वो कार्रवाई करें, प्रशासन को इफेक्टिव बनाएं, अराजक माहौल ना होने दें।